शाहबाद के गांव अटवान तथा आसपास के गांव के लोग रेलवे अंडरपास का काम करीब एक साल से लटके होने के कारण परेशान है। ग्रामीणों ने कहा कि अंडरपास के लिए खुदाई होने के कारण रेलवे फाटक का रास्ता भी बंद हो गया है, तो वे ना तो अपने खेतों में जा पा रहे हैं। गांव का शमशान घाट भी रेलवे लाइन पार है। लोगों को शमशान घाट पर जाने के लिए भी 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। रेलवे के निर्माण कार्य की देरी के चलते वे धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। ग्रामीण विकास विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले साल 19 जनवरी 2023 से फाटक पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था। उस समय भी ठेकेदार से कहा था कि जब निर्माण कार्य करो तभी रास्ता बंद करना, लेकिन लोगों की बात नहीं सुनी गई और जेसीबी से रास्ता उखाड़ दिया। रास्ता उखाड़ने के करीब 3 महीने बाद निर्माण कार्य शुरू किया। इस संबंध में लिखित एवं मौखिक तौर पर परेशानी को लेकर शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। करीब 4 महीने से निर्माण कार्य लटका हुआ है। निर्माण कार्य को लटके हुए करीब एक साल बीत चुका है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, रेलवे अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। बहानेबाजी से काम लटकाया जा रहा है और लोग धरने देने पर मजबूर हैं। स्थानीय निवासी ग्रामीण मान सिंह का कहना है कि काम लटका हुआ है तो करीब 1 दर्जन गाँव के लोग परेशान है। ग्रामीण जगदीश ने कहा कि करीब 1.25 साल हो गया है इस रास्ते को बंद हुए, काम लटका हुए। गांव की करीब 50% जमीन रेलवे लाइन के पार है। स्थिति है कि लोगों को शमशान घाट पर जाने के लिए भी 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। पिछले साल 19 जनवरी 2023 से हमारी फाटक यहां पे काम रोक दिया था। मैंने उस टाइम भी ठेकेदार से बात की थी, जिस समय आप बनाने आओगे उस समय हमारा रास्ता रोक देना, लेकिन यहाँ जेसीबी आई, जेसीबी ने दोनों तरफ से रास्ता उखाड़ दिया और उसके लगभग 3 महीने बाद फिर इन्होंने काम शुरू किया। मैंने वर्बली भी और लिखित में भी इनको कई बार चेताया, भाई आप हमारे को कोई अल्टरनेट रास्ता दे दो, चलो कोई बात नहीं है, विकास का काम है और गांव के लोगों के काम आएगा, लेकिन 3-4 गाँव जो हैं वो बड़े परेशान हैं और पिछले 4 महीने से ये लगातार हमारे को डेट पर डेट दे रहे हैं, भाई आप प्रदर्शन ना करो और हम आपको 5 तारीख दे देंगे, 9 दे देंगे, 15 दे देंगे, 23 दे देंगे, लेकिन पूरा महीना ऐसे ही निकाल देते हैं और 1 साल 3 महीने के लगभग समय हो चुका है और आज तक इनका इतना सुस्त रवैया है, ये कोई सुनवाई नहीं करते, बार बार डेट पे डेट देते हैं और पूरा गांव इससे परेशान है। मेरे गांव की अधिकतर ज़मीन जो है और शमशान घाट दूसरी तरफ है, एक डेरा है, डेरा से बच्चे गांव में पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी परेशान है। रेलवे की तरफ से बहुत सुस्त रवैया है और कोई भी ऑफिसर सुनने को राजी नहीं। जिस पर देखिए, कारण तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम तो ये है भी इनका कोई टाइम बाउंड तो होगा, भाई जब टेंडर लगा था भी इतने समय में इस काम को हम कर देंगे, और ये उसमें भी बार बार यही कहते हैं जी बस बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा, अब शुरुआत होने वाली है, कभी कोई बहाना लगा देते हैं, कभी कोई बहाना लगा देते हैं। तो हमारा तो रेलवे प्रशासन से यही है भी आप जल्दी से जल्दी इसको बनाओ, और अगर नहीं बनाएंगे तो हम अपना धरना उस दिन तक लगातार जारी रखेंगे जब तक यहाँ पे काम चालू नहीं होता। तो मैं न्यूज़ चैनल वाले का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाने का काम किया, और जो हमारी मेन समस्या है 1 साल 3 महीने हो गए हमारे इस रेलवे फाटक को बंद होने की, जिसमें कोई आज तक कोई कार्य कुछ नहीं हुआ, और जो हमारी 50% लैंड है ना जो इस पार है फाटक पार, और सबसे मेन मुद्दा है जो शमशान घाट है ना, हमारे को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है संस्कार के लिए, और रास्ता जो रास्ता हरिपर बड़ाम और सराय सुखी को जोड़ता है। कार से यही किसी अधिकारी से मिले? अधिकारी ने लिखित में दिया था 9 तारीख का, वो 4-5 बार बताया अभी बनागा यू, यहाँ कंपनी लग रही हमारे पास बनन, वहाँ पैसे चढ़ा देंगे अफसरा पा जो ये रेल के अफसरा, और ये लेट कर दे सना काम ना, और पूरा गांव दुखिया। लगभग कितने गांव का रास्ता कटा हुआ है? 5-10 गांव है जी पीछे, सारे परेशान है, राट काट बड़ी दूर से जाते हैं जी होके, और बड़ी परेशानियां जी सारे गांव को, तरह तरह हो रही गाँव में, पर कोई आवाज ही नहीं सुनने वाला जी सरकार में। क्या नाम? मान सिंह जी।